2021 ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 7 गुना विकास को प्रस्तुत करने वाले राष्ट्रीय हितेशी बजट के रूप में पेश बजट की सराहना की है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव के लिए बनाया गया लोकप्रिय बजट नहीं है, बल्कि देश से प्यार करने वालों, जनता से प्यार करने वालों द्वारा तैयार किए गए विकास के विजन को पूरा करने वाला बजट है। देश को आत्मनिर्भर, भय मुक्त भारत, भूख मुक्त भारत, विषमता मुक्त भारत, समतामूलक भारत, हम सब एक हैं। यह बजट देश को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आगे ले जाएगा। यह बजट जिसे सप्तर्षि योजना के नाम से जाना जाएगा, विकास वंचित घटनाओं को प्राथमिकता देना, बुनियादी ढांचा, निवेश क्षमता निर्माण, हरित विकास, युवा, आर्थिक क्षेत्र के विकास जैसे 7 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित है। यह बजट सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लाभ देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रधानमंत्री अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए है। यह एक ऐसा बजट है जो नाला सफाई करने वालों की, किसानों की जरूरतों, उनके समग्र उत्थान पर विचार करता है और साथ ही देश के लाखों छोटे उद्यमियों को राहत देता है। इस बजट में देश के बेहद ईमानदार कामकाजी मध्यम वर्ग को भी तवज्जो दी गई है। कुल मिलाकर जब भारत का स्वतंत्रता जयंती वर्ष शुरू हो रहा है और दुनिया मंदी और कई अन्य समस्याओं से जूझ रही है, यह बजट न केवल एक महाशक्ति बनने की दिशा में एक कदम बढ़ाता है बल्कि साथ ही यह एक ऐसा बजट है जो पूरे देश के लिए टोन सेट करता है। 2023-24 का अर्थसंकल्प हा निश्चित केलेली देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने जनतेला समर्पित केलेला अर्थसंकल्प आहे। कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत आणि कामरूप पासून कच्छ पर्यंत या देशामध्ये विविधता आहे, या देशामध्ये सर्वांना समान संधी प्राप्त व्हावी, भयमुक्त भारत, भूकमुक्त भारत आणि विषमता मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत हा साधारणता या अर्थसंकल्पाची दिशा आहे। अर्थसंकल्प मांडणारा अर्थमंत्री साधारणता लोकप्रिय घोषणा करतो। अनेकदा अर्थसंकल्प हे खुर्चीप्रिय असतात, निवडणूकप्रिय असतात किंवा लोकप्रिय अर्थसंकल्प मांडण्याची घाई असते। पण या अर्थसंकल्पाची विशेषता हा राष्ट्रप्रिय आहे। हा अर्थसंकल्प 2047 शताब्दीचा भारत जेव्हा शताब्दी महोत्सव साजरी करेल तेव्हा जगाचा विश्वगुरु होईल असा सर्वंकष चौफेर या देशाची प्रगती व्हावी या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प मांडलाय। आणि खरंय 23 व 24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प 23 आणि 24 जर आपण टोटल केली तर 47 होती, म्हणजे या अर्थसंकल्पामध्ये अमृतकाळ जो आहे तो लक्षात घेतला। गटार सफाई कामगारापासून शेतकऱ्यापर्यंत, शेतकऱ्यांच्या जोडधंद्यापर्यंत, आणि इथंच थांबत नाही। 21-22 मध्ये साधारणतः 5,54,000 कोटी ज्या पायाभूत सुविधांसाठी आपण खर्च केले आज 10,00,000 कोटी पायाभूत सुविधांवर जेव्हा खर्च होईल तेव्हा तर हे तर जोरदार शक्ती अर्थव्यवस्थेला प्राप्त होणार आहे। प्रत्येक सेक्टरमध्ये सामान्य व्यक्ती हा केंद्रबिंदू आहे। साधारणतः 47 कोटी जनधन खाते, 11 कोटीपेक्षा जास्त या ठिकाणी शौचालय निर्मिती, उज्ज्वला गॅस योजना, 220 कोटी वैक्सीनेशन, या क्षणाला देशामध्ये 3,000 कोरोना पेशंट्स फक्त 138 कोटीच्या देशात आणि 13 कोटीच्या जपानमध्ये 11,00,000 पेशंट्स। मेडिकल क्षेत्रामधली प्रगती, आरोग्य क्षेत्रामधल्या सुविधा, बारीक बारीक गोष्टी यामध्ये लक्षात घेतल्या। आणि सर्वात मोठी गोष्ट जॉब सिकर नव्हे जॉब क्रिएटरांचा देश व्हावा। या जगामध्ये भारत हा नेहमीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून क्रमांक 1 राहिला। आक्रमणकार्यांच्या सातत्याच्या आक्रमणाने आपण मागे पडलो, आता पुन्हा एकदा देश विश्वगौरव होण्याच्या दृष्टीने निश्चितपणे एका दिशेने जात आहे।
या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य आहे की हा लोकप्रिय नव्हे, तर जे लक्ष्य आपण निश्चित केलं त्या लक्ष्याप्रती पूर्णपणे शक्तीनी देश प्रगतीपथावर जावा या दृष्टीने आपल्या देशाची प्रगतीचा विचार यामध्ये केलाय. 7% विकास दर आपण अपेक्षित केला. यासोबत आपली इकॉनॉमी 5व्या क्रमांकावर गेली. 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी हे लक्ष्य आहे आणि मला निश्चित वाटतं की विश्वगौरव देशगौरव नरेंद्र मोदीजींनी आजपर्यंत जे रेकॉर्ड मोडले त्याच आधारावर लक्ष्य प्राप्ती निश्चित होईल. चंद्रपूर से BCN न्यूज के लिए सुनील तायडे की रिपोर्ट.